ये आ चुका है हमारा, पूरा घी का है, देसी घी का। अरे मुझे वो लेना था यार, ये यहाँ पे रुकी हो, यहाँ पे रुकी। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है अभी चल रहा है दिवाली का मौसम, भाई पूरे घर में कंटिन्यू सुबह से साफ सफाई चल रही है। अभी उसके चक्कर में कुछ हो नहीं पा रहा है, अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ। टाइम हो चुका है 10 बज गए लेकिन नहाया नहीं हूँ। तब चलते देखते नीचे क्या क्या चल रहा है। मुझे एक्चुअली बाहर भी थोड़ा जाना है। कैसे साफ सफाई चल रही है, एकदम पूरा कचरा बाहर निकल रहा है। और मैं भी जा रहा हूँ हाजीपुर। ये जो है ना, छोटा सा मेरा डाइनिंग टेबल था उसका एक पैर टूट चुका है। देखते हैं हाजीपुर चल के मिलता है कि नहीं, वो लेंगे, और भी कुछ काम है। तो आज हमारे साथ चलेंगे धर्मेंद्र जी। नारा चलेगी, चलेगी हाजीपुर, चलो। चारों तरफ बस साफ सफाई चल रहा है। तो फिलहाल मैं हाजीपुर से आ चुका हूँ। काफ़ी सारे काम थे वो मैंने कंप्लीट किया वहाँ पे, जैसे मुझे कुछ कपड़े भी फिटिंग कराने थे एंड जो भी डाइनिंग टेबल थे छोटे वाले उसके पैर लेने थे, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, वो भी लेके आ गया हूँ। और साफ सफाई कंटिन्यू चल ही रही थी उस टाइम से। फिर अभी अचानक प्लान बन गया कि पटना चलते हैं और पटाखे लेके आते हैं, तो ये भी काम एक आज कंप्लीट ही कर लेंगे क्योंकि कल से बहुत सारे काम हैं। तो जो जो हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैं सीधा निकलने वाला हूँ पटना। आप देख सकते हो मैं फर्स्ट क्लास रेडी हो गया हूँ और यहाँ से भी निकलेंगे कुछ देर में। अभी टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं, अभी जाने मुझे 1 घंटे लग जाएंगे 4। उसके बाद उधर पटाखे लेंगे पटना सिटी, वहाँ काफ़ी अच्छे पटाखे मिल जाते हैं और काफ़ी कम रेट पे मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी लेके आएंगे। तो फटाफट से चलते हैं। गाइस आज फिर से हमारे साथ है राहुल जी, ठीक है। तो आज फिर से वापस से हमने देखा कि बाइक से जाने में यार मज़ा नहीं है। पटना जा रहे तो बाइक से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वहाँ जाओ फिर टाइम लगता है। कार में क्या है ना, सेफली आराम से जाते हैं, सेफली आ जाएंगे, क्योंकि आज लगने वाला काफ़ी टाइम, क्योंकि हम ज़्यादा घूमने वाले हैं तो रात को 10 भी बज सकते हैं, तो कार ज़्यादा सेफ है। रास्ते में थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हुए चलूँगा और फिर वहाँ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से पटाखे आए हुए हैं नए मार्केट में, और फिर उसको हम लेंगे फिर वापस आएंगे। और पीछे भी हमारे साथ एक धर्मेंद्र, चेहरा दिखा दे, ये देखिए इधर आ गया। और एक लड़का और जुड़ेगा जरुआ में जो पिछली बार भी जुड़ा था, अभिषेक, वो भी जैसे आएगा आपको दिखाते हैं। आज फुल मस्ती होने वाला है एकदम। देखिए वापिस से सेम जगह से इसको पिक किए हैं। चला जाए, चलो बिल्कुल, यार तो बहुत किए होंगे आपको। तो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं जडुआ से, अभिषेक को पिक कर लिए हैं, धर्मेंद्र अभी दोनों पीछे पीछे मस्ती करेंगे, गाना वाना बजाएंगे। तो अभी थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो थोड़ा गाना बजाते हुए चलते हैं, मस्ती करते हैं। और आपसे सीधा मिलने वाले अब हम पटना में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी सेतु पुल, अभी हम इससे सीधा चल रहे हैं। चल रहा है गाइस, देख लो कितना भीड़ है गाइस, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे हम, लेकिन काफी लेट हो चुके हैं। कितना टाइम हो गया? वही 6:04, 6 बजे है ना। अरे ठीक है, 6 बज चुके हैं, इतना ट्रैफिक। गाइस अभी लग चुकी है भूख, तो हम आए टिक्की लिट्टी के पास में। टिक्की लिट्टी जो कि पटना में काफी फेमस है, देखते हैं यहाँ खा के कैसा टेस्ट लग रहा है। ये आ चुका है हमारा, पूरा घी का है, देसी घी का। चलिए खाते हैं, गर्म बहुत है यार। भैया कैसे हैं ये? तो गाइस फिलहाल पटाखा हमने ले लिया है, अब चलते सीधा घर के तरफ। राहुल जी को तो ये भी ले लिए है, डाल दो भाई हमारा भी। अब सीधा सीधा घर की तरफ चलेंगे, काफी लेट हो चुके हैं, रात को 10 बज चुके हैं अभी, ठीक है। तो अब चलेंगे, अब चलो पुल पर, सीधा 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 चलेंगे। तो गाइस अभी हम पटना सिटी से निकल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो सस्ता पटाखे है ना, वो पटना सिटी में ही होता होगा, यहीं से होलसेल होता है, यहीं से पूरे बिहार में। हाँ, पूरे बिहार में यहीं से सप्लाई होता है, तो हम क्या कि डायरेक्ट यहीं से आके लिए हैं। और
मतलब 3,000 का पटाखा मैंने लिया ना, यदि मैं यही हाजीपुर से या गांव में लेता तो ये शायद 5,500 के आसपास आता। तो मैं क्या है ना, हर बार पटना सिटी आ जाता हूँ और यहीं से ले लेता हूँ आराम से, दिवाली छठ इसी में परफेक्ट हो जाता है। एक्चुअली मैं ज्यादा नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन गाँव के जो बच्चे है ना, कुछ बच्चे लोग आ जाते हैं तो उनको हम दे देते हैं और वही पटाखे जलाते हैं, हम तो इंजॉय करते थे। अरे मुझे वो लेना था यार, यहाँ पे रुकी हूँ, यहाँ पे रुकी। तो गाइस फिलहाल पैराशूट ले लिए हैं, गाड़ी में रखिए, इधर रखिएगा। तो फिलहाल हमने पैराशूट 50 लिए हैं, जिसमें से राहुल जी का 20 है, 10 धर्मेंद्र का और 20 मेरा है। तो सबसे ज्यादा मजा ना पैराशूट में ही आता है, मस्त एकदम ऊपर एकदम लालटेन की तरह जाता है, एक आकाश में, एक सही लगता है देखने में, मजा आता है। कैंडल लीजिए, ठीक है? नहीं कैंडल नहीं लेना है। कहाँ कैंडल? कैंडल लीजिएगा। अरे नहीं वहाँ पे नहीं, अब छोड़ो, अब लेट हो गया यार, 10:30 बज गया रात। मोमबत्ती छोड़ दो, छोड़ दो, रात हो, पता है 11:30 बजे रात तक पहुँचेंगे, यहाँ सब कहीं नहीं रुकना है अब, कहीं नहीं। तो गाइस क्या है ना, काफी लेट हो चुके हैं, 10:30 बज गया यार, जाते जाते 11:30 बज जाएंगे। तो अभी हम सीधा चलने वाले हैं अभी रूम पे, ठीक है? तब चलते हैं, देख लो पटना सिटी पूरा खाली हो चुका है अभी। रात में देख लो पटना पुल कैसा लगता है दिखने में, भाई गाड़ी एकदम 100 की स्पीड में चल रही है अभी। तो गाइस फिलहाल हम रूम पे पहुंच चुके हैं और टाइम जो हो चुका है आप देख सकते हो, रात के 11:30 बजे हैं और काफ़ी हम लेट हो चुके हैं। तो अभी मैं एडिटिंग करना स्टार्ट करूंगा, 2-3 बज जाएंगे तो वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगी। तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हम लोग मैप से ना गलत रास्ते में आ गए हैं, भारी मिस्टेक हो गया, अब इससे कम से कम 15 खा गया अभी तक और ये भी खा गया 10, पूरा भरा हुआ था ये।